वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं एबीसीडी, जो हमें बचपन से पता है, बट हमने बचपन से सीखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बट आज हम जो एबीसीडी सीखने वाले हैं वो ऑब्वियसली हमारे चैनल के रिलेटेड अकाउंटिंग टर्म होंगे। मतलब हमारे पास पूरी ए टू जेड अल्फाबेट है, बट उसमें सारे अकाउंट के वर्ड्स फिट होते हैं। बट यस, एक वर्ड जो सबसे डिफिकल्ट है वो मैंने सस्पेंस रखा है, वो आपको आंसर देना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू हो जाती है हमारे लिए असेट। ऑब्वियसली अकाउंटिंग अकाउंट जब भी लिखते हैं तो उसमें असेट की डिस्कशन ऑब्वियसली करते हैं। बी फॉर बैलेंस शीट, एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए। सी फॉर क्रेडिट, ये तो अपना बेसिक रूल हो गया डेबिट क्रेडिट वाला। तो डी फॉर हो गया डेबिट। ई फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, अकाउंट में हम जब भी कोई भी एंट्री लिखते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की ही एंट्री लिखते हैं, तो ई फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एफ फॉर फिक्स असेट, ऐसी कोई असेट जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स असेट, तो फिक्स असेट हो गई। जी फॉर गुडविल, इनटेंजिबल असेट बोलते हैं इसको। एच फॉर हिडन एडजस्टमेंट, कभी हम फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और फाइनल एग्जाम्पल में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो नीचे अलग से एडजस्टमेंट में नहीं दिए होते, बट ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, तो एच फॉर हिडन एडजस्टमेंट। आई फॉर इनटेंजिबल असेट, मतलब ऐसी असेट जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसे भी हमारे पास असेट होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया गुडविल, और अलग अलग बात करो तो पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अलग अलग हो सकता है। देन आफ्टर जे फॉर जर्नल एंट्री, यस अपनी प्राइम बुक, अकाउंट में जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो सबसे पहले एंट्री कहां पे होती है, जर्नल एंट्री। के फॉर नो हाउ, ऑब्वियसली एज वी नो दैट इनटेंजिबल असेट। एल फॉर लायबिलिटीज, अगर किसी को पेमेंट करना बाकी है तो उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। एम मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के अकाउंट में कॉन्सेप्ट है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं, जब प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तब हम करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंस और करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम कंपेयर करते हैं, और अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो बोलेंगे उसको लॉस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे लिए अकाउंट में इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इनकम भी आ जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट। ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक, जब हम कोई भी नया साल शुरुआत करते हैं तो बिजनेस में हमारे पास जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं ओ, ओ मीन्स ओपनिंग स्टॉक। पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि हमको जानना है बिजनेस का नेट रिजल्ट क्या है, दैट मींस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्यू फॉर क्विक असेट, जो हमारी सारी करंट असेट होती है ना उसको सब इकट्ठा करो तो उसको तो हम करंट असेट बोल देंगे, बट उसमें से अगर इन्वेंटरीज, दैट मींस अ क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो असेट रहेगी उसको हम बोलेंगे क्विक असेट। आर आर फॉर रियल अकाउंट, जिसमें गुड्स और असेट के अकाउंट आ जाएंगे। देन आफ्टर एस, एस फॉर सब्सिडरी बुक, अभी सब्सिडरी बुक क्या है, प्राइम एंट्री ही है, अगर जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है तो जर्नल एंट्रीज के ऑप्शन में हम सब्सिडरी बुक लिख सकते हैं, जैसे परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर भी हो सकता है, तो अलग अलग टाइप की सब्सिडरी बुक भी हमारे पास होती है। टी फॉर ट्रायल बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। यू फॉर अनपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस पेमेंट करना बाकी है तो उसको हम अनपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। वी फॉर वाउचर, पूरा अकाउंट इसके ऊपर डिपेंड होता है, वाउचर्स के ऊपर, हमारे पास जो वाउचर है उसके हिसाब से हम उसके लिए एंट्री प्रिपेयर करते हैं। डब्ल्यू फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट अगर बीच में अगर माल है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। यस, सस्पेंस जो बोला था एक्स, उसका आंसर देना होगा आपको, जो सबसे डिफिकल्ट है इसके लिए मैंने इसको बचा के रखा है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना रहेगा। वाई फॉर ईयर, अभी सर ईयर कैसे यहाँ पे होगा,
ऑब्वियसली हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं वो पूरे साल के ही लिखते हैं, तो वाई इज इक्वल टू यर, जेड इज इक्वल टू जीरो बेस बजट। अगर कोई बजट तैयार करना है और हमारे पास कोई किसी भी तरह का बेस नहीं है और खुद पहली बार अगर कोई बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम जीरो बेस बजट। तो ये थी अपनी नई एबीसीडी। ऑब्वियसली जो आपके कॉमर्स के जो फ्रेंड्स है उसके साथ आप शेयर करो, और यस एक्स का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा। ऑल द बेस्ट।